हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। चैप्टर 12 है, एरिया क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एग्जांपल इसका कौन सा करने जा रहे हैं आप? एग्जांपल थर्ड है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसे अच्छी तरीके से करिए। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन। ये ऊपर कैसा है? कॉनिकल है। ऊपर कैसा है? ये कॉनिकल है। ये जो शेप बनी है ऊपर, ये कॉनिकल है, ये बनी हुई है, फिर भी हम आपको बना के बता रहे हैं ये कॉनिकल शेप है। समझ में आया? कौन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, ये सिलेंडर के ऊपर है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जो माउथ है, इसका माउथ किसका? सिलेंडर का। सिलेंडर का सर्कल कम है और कौन का ज्यादा है। इस तरीके से है, जैसे ये कौन का बेस है और ये सिलेंडर का बेस है। सिलेंडर का जो सर्कल है ना वो कम है, ये बड़ा है। मतलब कौन का जो सर्कल बेस है वो ज्यादा बड़ा है। तो इस तरीके से आपकी एक रिंग बनेगी। रिंग कैसे बनेगी आपकी? जैसे ये तो सर्कल का मुंह है और ये वाला किसका सर्कल है? कौन का है। ये आपका बेस जो हम मिलेंगे ना, ये तो कौन के लिए है और ये किसके लिए है? सिलेंडर के लिए। तो एक तो रेडियस ये आएगी सिलेंडर की, और ये रेडियस किसकी आ जाएगी? ये रेडियस आ जाएगी बेस की। किसकी बेस की? कौन के बेस की। दोनों आर अलग अलग होंगी। तो ये यहाँ पर देखना है, समझना है आपको। आप देखिए यहाँ पर आगे वो क्या कह रहे हैं, माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एस ऑन फिगर 12.8 द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट। पूरी रॉकेट की हाइट 26 सेंटीमीटर यहाँ दी है। पूरी जो हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 26 सेंटीमीटर इज गिवन। ये टोटल हाइट है 26 सेंटीमीटर। व्हाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, जो कॉनिकल पार्ट है, ये कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है, कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। कितनी है ये? 6 सेंटीमीटर। यहाँ थोड़ा सा इसे गड़बड़ हो रही है, क्लियर नहीं हो रहा है ये, तो यहाँ पर इसे हम हटा रहे हैं, इसे भी हटा रहे हैं। अब हम देखो 6 यहाँ पर कर ले रहे हैं आपका। ये टोटल हाइट, ये वाली टोटल हाइट 6 सेंटीमीटर है। किसकी? कौन की। ये भी इसमें फिगर में दी हुई है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? सेकेंड या थर्ड? थर्ड है, यहाँ लिख दिया। अब ये देखिए यहां से ऐसे ये आपका एक लाइन बना सकते हैं। अब ये हो गया 6 सेंटीमीटर द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन। अब यहां पर लिखिए 4 सिलेंडर और 4 कॉन। तो 4 सिलेंडर और 4 कॉन। तो पहले आप देखिए क्या करने वाले हैं, सिलेंडर की बात करें और यहां पर कौन की बात करें। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर? बोल रहे हैं द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। इसका जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा? 5/2। जरूरत पड़ेगी तो 2.5 सेंटीमीटर ले लेंगे हम इसको। बड़ा आर क्यों लिया? क्योंकि कोन का रेडियस ज्यादा है, कोन का जो बेस है वो बड़ा है सर्कल। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, व्हाइल द बेस ऑफ डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना आएगा? 3/2 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए यहां से आगे वो क्या बोल रहे हैं, इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, जो कॉनिकल पोर्शन है उसे ऑरेंज करना है। क्या करना है? ऑरेंज। तो ऑरेंज ये करना है, ये वाला पोर्शन है पूरा, इसको इस वाले को ऑरेंज कलर करना है। क्या करना है बोलो? ऑरेंज करना है ये पूरा। तो इसमें ये आ जाएगा, ऑरेंज कलर करना है। कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन। ये जो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन बचा है, ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन बचा है इस पे कौन सा पेंट करना है? येलो। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच। दोनों का अलग अलग निकालना है।
तो ये आप देखिए, अब ये जो एरिया बचा हुआ है ये वाला, इस पे पेंट होगा, क्योंकि एक सर्कल ने दूसरे सर्कल को ढक लिया है, कवर्ड कर लिया है। जरा ध्यान से देखो, ये बेस किसका है, ये बेस सिलेंडर का है ना, तो इसने इसे ढक लिया, इतना इसे कवर कर लिया, कितना कवर कर लिया, ये कवर हो गया। ये जैसे कोन है ना, कोन का सर्कल बड़ा है और इसका सर्कल छोटा है, तो अभी जो चीज दिख रही है रिमेनिंग, वो एक रिंग बन गई। क्या बन गई, रिंग। तो इतने पे कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा, इस पे होगा, और प्लस इसके सीएसए लेंगे। तो अब हम इसे देखें, अब यहाँ पर आपका एरिया ऑफ द रिंग निकालेंगे। तो एरिया ऑफ द रिंग अब यहां से देखेंगे आप कि एरिया हमें निकालना है, लेकिन हमें एल की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी, एल की, स्लाइंट हाइट की। एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमारी बात को सुनिए, क्या सुनिए, जब हम कोन के ऊपर, कोनिकल पोर्शन के ऊपर कलर करेंगे तो पाई आर एल पे करेंगे, और इसका जो बेस बचेगा, इसका थोड़ा सा बेस बचेगा, क्योंकि इसने सर्कल ने ढक लिया था ना, इसके 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 सिलेंडर के सर्कल ने ढक लिया, तो रिंग बचेगी। क्या बचेगी, रिंग। जरा ध्यान से देखो, इस पे क्या बचेगा, पाई आर एल, और एक क्या बचेगा, रिंग बचेगी। उस पे कलर होगा कौन सा, ऑरेंज होगा। कौन सा होगा, ऑरेंज होगा। एल निकाल लो, स्लैंट हाइट। तो अब स्लैंट हाइट निकालनी है, तो हाइट कोन की कितनी है, 6 स्क्वायर। रेडियस कितना निकाला था ब्रदर, 1.5 नहीं, कोन का कितना था, 2.5। इसका क्या निकलेगा, होल स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो लंबी होगी, मेंसुरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। किस वजह से होता है, कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग भी फिगर के साथ होनी चाहिए। अब यहां से एल निकाल दो, ये कितना आएगा, 36। 25 का 25 से मल्टीप्लाई करो, 625 आएगा, और डेसिमल दो डिजिट के आगे लगेगा। अब हम इसके प्लस करेंगे, 42.25 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये आपका देखिए, आपको पता चल रहा है 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर क्या आता है, 49। तो ये जो वैल्यू 42 लाइस करेगी, वो 6 और 7 के बीच में आएगी, तो इसका आपका क्या आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। कुछ नहीं आता है आपको तो 6.5, 6.4 ले लो। एक्यूरेट लेना है तो आप यहां से डेसिमल के बाद एपीआर बनेगा, एपीआर बनेगा 6 6 या 36 माइनस 6। आप 25 लेंगे, यहां डेसिमल लगेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद ये डिजिट आ रहा है, इसको डबल करो, ये 12 आ जाएगा। यहां पर 5 का डिजिट, सेम डिजिट लेंगे, 5 125 का 5 से 625 मल्टीप्लाई आता है, माइनस करोगे 0 0, तो एक्यूरेट इसका 6.5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसमें जो कह रहे हैं वो हम काम करेंगे, क्या देखिए, एरिया टू पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज का ऑरेंज, ऑरेंज कितना हो रहा है, ऑरेंज ये होगा, ये पाई आर एल कौन का, और यहां का रिंग बचा है, क्योंकि इसको ढक रहा है ना सिलेंडर के बेस ने, सर्कल ने ढक लिया, तो रिंग बचेगा। तो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, सीएसए ऑफ कौन, पाई आर एल, एरिया ऑफ द रिंग, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। रिंग क्या होता है, बड़ा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, छोटे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब इसे माइनस कर दो, जरा ध्यान से देखना, यहां पर थोड़ा सा रिंग, बड़ा आर और छोटा आर, ठीक है ना। अब यहां पर पाई कॉमन ले लो, सब में से पाई कॉमन आ गया, या पाई बाद में देखते हैं। आर, आर किसका, छोटे नहीं, छोटे वाला रिंग, कौन का आर बड़ा लिया था, कौन का आर क्या लिया था, बड़ा लिया था, तो यहां पर बड़ा आर लिखो, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर कौन का कितना है, 2.5 है, और एल कितना निकला आपका अभी, 6.5। जरा ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन ना हो जाए। कंफ्यूजन कैसा, कौन का आर लेना है, बड़ा आर, ध्यान से सुनिए आप, पाई, बड़ा आर कितना है बोलो, 2.5, इसका स्क्वायर, छोटा कितना है, 1.5 बोलो, 5 इसका होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे,
पाई इंटू 2.5 इंटू 6.5, 2.5 इंटू 6.5 कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, 16.25 पाई एलईटी लिख दिया, पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज किया है, वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा क्यों किया हमने, जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी 2.5 प्लस 1.5 2.5 माइनस 1.5, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दिया, ओपन कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी 2.5 1.5 4, 2.5 में से माइनस 1.5 जाएगा 1, 4 बन जा 4, 4 पाई 16.25, अब इसको प्लस करोगे, 16 में 4 ऐड होगा 20.25, ये पाई आ गया, अब इसमें क्या है, पाई की वैल्यू दी है, पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3.14, तो 3.14 यूज करेंगे, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 20.25 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 एक्यूरेट मल्टीप्लिकेशन 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ए आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट में क्या है, एरिया क्या लिखेंगे बोलो, एरिया टू पेंटेड एलो, अब हम एलो कलर का एरिया करेंगे, तो वो एलो कलर का एरिया किसके ऊपर हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिलेंड्रिकल पोर्शन के ऊपर, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना आएगा, ये ऊपर का मुंह तो टोटली ढक चुका है, ऊपर तो इस पे नहीं होने वाला, ये क्या था, सिलेंडर को सिलेंडर के टॉप को किसने ढक लिया था, कोन के बेस ने, तो ये तो नहीं होगा, अब किस पे होगा, अब होगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, और बेस पे भी होगा, किस पे होगा, बेस पे, बेस पे हो रहा है, बेस पे हो रहा है ना, हाँ चलिए, अब इस पे हम एरिया टू पेंटेड एलो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसका 2πRH क्या आएगा, 2πRH सिलेंडर पे होगा ना, ऊपर का टॉप तो ढक चुका था, कौन से 2πRH, बेस क्या आएगा πR² अब इसमें छोटा आर लेंगे, आर में कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमने बड़ा रेडियस किसका लिया है, कौन का, और छोटा रेडियस किसका लिया है, सिलेंडर का, तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, और ये एरिया कौन सा है, येलो कलर का है, इसे हम पेंट करेंगे, तो इसमें पाई आर ले लो कॉमन, तो क्या मिलेगा 2H एक आर पाई एज इट इज, आर किसका, सिलेंडर की बात हो रही है, सिलेंडर का कितना था 1.5 इंटू 2, हाइट किसकी, सिलेंडर की कितनी थी, 20 प्लस रेडियस 1.5, अभी देखिए पाई 1.5 अब इंटू 40 प्लस 1.5, मूव करो आगे, हाँ जी, तो मूव करेंगे तो 41.5, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पाई भी ले लो 3.14 1.5 41.5, बड़ी कैलकुलेशन आ रही है, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कंपलसरी है तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे, ये 5 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन मेंसुरेशन में से, हाइट एंड डिस्टेंस के, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये आ जाएगा 195, हमें कैलकुलेटर की सहायता लेनी पड़ रही है, आपको खुद करना पड़ेगा, 195.465 आएगा, 465 एरिया है, तो एरिया में स्क्वायर आएगा, इन मत लगाना, तो इसलिए आपका एग्जांपल कौन सा, एग्जांपल थर्ड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने सॉल्व कर दिया, आई होप ये समझ में आया होगा, ये चैप्टर आपका कौन सा है 12, तो अगर आपको
वीडियो समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर, जय हिंद, जय भारत।